जेडीयू में दूसरे नंबर के नेता के रूप में प्रशांत किशोर कहलाते हैं। प्रशांत किशोर पार्टी के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार प्रशांत किशोर का प्रचार प्रसार करने में जुट गए हैं। जिस तरह प्रशांत किशोर ने मोदी के दिल में जगह बना ली थी, उसी तरह नीतीश कुमार के दिल में जगह बनाने में उनको टाइम नहीं लगा और वो आज जेडीयू के उपाध्यक्ष के तौर पर पहचाने जाने लगे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में 2019 के मद्देनजर बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने पार्टी की सदस्यता हासिल की थी। नीतीश कुमार ने चुनाव जीतने के बाद राज्यमंत्री के दर्जे से नवाजा था। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने पिछले महीने अपनी चुनावी राजनीति पारी का आगाज जनता दल यूनाइटेड से किया था। आपको बता दें ये भी कि प्रशांत किशोर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। इसके बाद कुछ मतभेद होने के कारण बीजेपी छोड़ कांग्रेस के पाले में चले गए, लेकिन ज़्यादा दिनों तक वहां भी नहीं रह पाए। इसके बाद नीतीश कुमार के पास शरण ली, जो अभी तक टिके हुए हैं। यही नहीं, नया मुकाम भी हासिल कर लिया है। SPN न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।